अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक अनदर वीडियो। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आईफोन की बैटरी कैसे हम देख सकते हैं, किस फ़ोन की बैटरी ज़्यादा है, किस फ़ोन की कम है, और अभी के लेटेस्ट में कौन सा फ़ोन बेहतर है आईफोन की नस्बत जिसकी बैटरी टाइमिंग ज़्यादा हो। मैं आपको इस वीडियो में फुल डिटेल में बताऊँगा, आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। तो गाइस, जैसे कि आपने कोई फ़ोन लेना है आईफोन, तो सबसे पहले आपने उसको सर्च करना है कि अगर आप आईफोन 12 ले रहे हैं, 11 ले रहे हैं, या आईफोन एक्स ले रहे हैं, कोई भी फ़ोन ले रहे हैं, 11 प्रो ले रहे हैं, तो उसको आपने गूगल पे जाकर सर्च करना है कि उसकी आईफोन की बैटरी एमएएच कितनी है। बैटरी एमएएच जितनी ज़्यादा होगी उतनी आपको वो टाइमिंग ज़्यादा होगी, जितनी एमएएच बैटरी कम होगी उतनी आपकी टाइमिंग कम होगी। अभी की सिचुएशन में जैसे कि अब बात की जाए आईफोन 13 प्रो मैक्स लेटेस्ट जा रहा है, तो उसकी बैटरी की एम ए एच 42,000 समथिंग है, 42,000 एम ए एच है उसकी बैटरी टाइमिंग। इसके अलावा उससे नीचे जितने मॉडल हैं आईफोन 13 प्रो की बात की जाए तो उसकी 3200 एम ए एच बैटरी। इसके अलावा बात की जाए आईफोन 12 प्रो मैक्स की, तो उसकी 3600 एम ए एच बैटरी टाइमिंग है। तो जैसे ही आपने कोई फ़ोन लेना है तो उसको देखना है कि उसकी बैटरी एम ए एच ज़्यादा है। आईफोन 12 प्रो मैक्स वाली सीरीज़ हैं, प्रो मैक्स वाली सीरीज़ जितनी भी हैं उनकी बैटरी टाइमिंग ज़्यादा है, क्योंकि वो फ़ोन बड़ा होता है तो बैटरी भी उसके अंदर बड़ी लगी होती है और वो थोड़ी हैवी भी होती है बैटरी। तो सबसे पहले देखना है कि बैटरी एम ए एच कितनी है। अगर आपके फ़ोन की बैटरी एम ए एच कम है, अब जैसे आईफोन 12 मिनी की बात की जाए, आईफोन 11 की बात की जाए, 12 मिनी की बात की जाए, 13 मिनी की बात की जाए, तो उनकी बैटरी एम ए एच कम है और वो टाइमिंग भी उसकी कम होती है। अब आईफोन 13 प्रो मैक्स की 42,000 एम ए एच बैटरी है, जो कि अभी के सिचुएशन में सबसे ज़्यादा बैटरी उसकी आईफोन 13 प्रो मैक्स की है, तो उसकी टाइमिंग भी ज़्यादा होगी। तो ये एम ए एच का साबित है आईफोन के अंदर कि जितना ज़्यादा आपके फ़ोन का एम ए एच होगा उतनी ज़्यादा आपकी वो टाइमिंग ज़्यादा निकालेगी फ़ोन की, और वो चार्जिंग साइकिल्स भी इतनी जल्दी ज़्यादा जल्दी कम्प्लीट नहीं होंगे, क्योंकि उनकी बैटरी एम ए एच ज़्यादा है। 42,000 एम ए एच बैटरी 13 प्रो मैक्स की, और आईफोन 12 प्रो मैक्स की बैटरी एम ए एच है 36,000। तो ये 600 का डिफरेंस है आईफोन 12 प्रो मैक्स में और 13 प्रो मैक्स में। तो अगर आप लेना चाहें तो कोशिश करें कि आईफोन 13 प्रो मैक्स लें, क्योंकि उसके बैटरी एम एच ज़्यादा है, तो वो टाइमिंग भी आपको ज़्यादा निकालेंगे और आप उसे लॉन्ग टाइम तक यूज़ भी कर सकते हैं। तो पर्सनली मैं आपको कहूँगा कि अगर आप लेना चाहें बैटरी के हिसाब से आईफोन 13 प्रो मैक्स का बैटरी एम एच ज़्यादा है, वो आपको टाइमिंग ज़्यादा निकाल कर देगी। अगर 13 प्रो की बात की जाए तो उसकी बैटरी एम एच 3200 है, 3200 एम एच है, तो वो उसकी बैटरी एम एच कम है 1000 आईफोन 13 प्रो मैक्स की नस्बत, तो वो टाइमिंग उसकी कम होगी। 13 प्रो भी ले सकते हैं, उसका साइज़ थोड़ा छोटा है, तो अगर आप हैंड के हिसाब से लेना चाहें तो वो आपको पॉकेट में डालना चाहें तो वो 13 प्रो बेस्ट है, लेकिन अगर आप बैटरी के हिसाब से देख लें तो वो फिर आप 13 प्रो मैक्स लें, ताकि आपको लॉन्ग टाइम उसकी बैटरी निकले, आराम से निकले, और आप कहीं आराम से 2-3 दिन निकाल सकें उसकी बैटरी के लिए। तो 13 प्रो मैक्स की बैटरी सबसे बेस्ट है इस अभी के सिचुएशन में, तो अगर आप लेना चाहें तो वो ले सकते हैं वो फ़ोन, उसकी बैटरी टाइमिंग एम ए एच बेहतर है 42,000 एम ए एच। वैसे मैं ये बताना था कि आईफोन की बैटरी बेस्ट कौन सी है और वो एम ए एच का क्या हिसाब होता है। तो जितना ज़्यादा एम ए एच होगा उसकी बैटरी टाइमिंग ज़्यादा होगी, वो टाइम ज़्यादा आपको निकाल कर देगी। तो गैस वीडियो में ये बताना था, उससे गैस आपको पता चल गया होगा। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस आपको मिल सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अल्लाह।